बावागी पुलिस को चकमा देकर भाग रहे थे राकेश टिकैत, पुलिस ने कर दिया इंतजाम। एक्सप्रेसवे पर आगे आगे दौड़ते राकेश टिकैत, पीछे पीछे दौड़ती यूपी की पुलिस। नोएडा में किसानों के प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए लगा रहे थे रोड पर दौड़। उत्तर प्रदेश में योगी और दिल्ली में मोदी को घेरने के लिए बड़े बड़े प्लान तैयार किए जाते हैं। कैसे भी करो मोदी को गिराओ और योगी को भगाओ वाला नारा दिया जा रहा है, क्योंकि दोनों धर्म रक्षकों ने कांग्रेस का खात्मा कर दिया है। उत्तर प्रदेश में योगी के गुंडा मुक्त प्लान ने गुंडों को चुन चुन कर उनकी असली जगह पहुंचा दिया है। इसके बाद हलचल तेज हो गई है। दरअसल इन दिनों भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को बुधवार को यमुना एक्सप्रेसवे पर हिरासत में ले लिया। वे ग्रेटर नोएडा के जीरो पॉइंट पर हो रही किसान पंचायत में हिस्सा लेने के लिए घर से निकले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें अलीगढ़ के टप्पल में रोक लिया, हिरासत में लेकर थाने ले गई। राकेश टिकैत को अलीगढ़ पुलिस ने हिरासत में लेकर टप्पल थाने बिठाया था, लेकिन वो पुलिस को चकमा देकर थाने से फरार हो गए। पुलिस को जैसे ही भनक लगी तो फौरन अधिकारी दलबल के साथ उनके पीछे भाग लिए। इसके बाद राकेश टिकैत ने एक ट्रक ड्राइवर को रुकवा कर उस पर बैठ गए। हालांकि वो कामयाब नहीं हो पाए और पुलिस ने उन्हें दोबारा पकड़ लिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो में भी वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पुलिस उनको घेरने के लिए उनका पीछा करती हुई दौड़ती नजर आ रही है। दरअसल राकेश टिकैत टप्पल में एक किसान नेता के यहाँ ठहरे हुए थे। सुबह वे ग्रेटर नोएडा में किसानों की महापंचायत में भाग लेने के लिए निकले। इस दौरान वे यमुना एक्सप्रेसवे पर पैदल भी चलते हुए नजर आए, लेकिन बाद में एक कार में बैठ गए। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए कड़े इंतजाम किए थे और रास्ते में कई कार रोककर बाहर उतार लिया। इस दौरान पुलिस और राकेश टिकैत के बीच नोकझोंक होती हुई दिखाई दी। दरअसल राकेश टिकैत की गिरफ्तारी के विरोध में अन्य किसान नेताओं ने भी प्रदर्शन कर दिया था, यमुना एक्सप्रेसवे को जाम कर दिया। इसे एक साइड से जाने वाले सड़क पर जाम लग गया। मामला बढ़ता देख डीएम, एसपी और एसपी ग्रामीण भी भारी पुलिस फोर्स के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। इसके बाद राकेश टिकैत को थाने ले जाया गया। किसानों से संवाद करने के लिए तैयार बैठे हैं। किसान यदि हमारे पास आए तो उनके लिए दरवाजे खुले हैं, यदि वो वहां बुलाए तो वहां जाने के लिए तैयार हैं। कोई किसान, क्योंकि इस देश का किसान महान है, अन्नदाता है, और उसकी पीड़ा वो हमारी पीड़ा है, वो जो ही बताए हम तैयार हैं, उनके बीच में जाने के तैयार। गिरफ्तारी के बाद राकेश टिकैत ने फोन से किसानों की पंचायत को संबोधित किया और कहा कि उन्हें टप्पल पुलिस ने रोका है। उन्होंने किसानों से अपील की कि अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो वे दिल्ली और लखनऊ की तरफ कूच करेंगे। उन्होंने किसानों को तैयार रहने का संदेश भी दिया है। बता दें कि बुधवार को ग्रेटर नोएडा में किसानों की महापंचायत हो रही थी, जिसमें राकेश टिकैत को शामिल होना था। इस महापंचायत में यूपी और आसपास के राज्यों के किसान जुटे थे। बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर और ट्रॉली लेकर पंचायत में पहुंचे। यहां महापंचायत दलित प्रेरणा स्थल पर धरने पर बैठे किसानों की गिरफ्तारी के विरोध में बुलाई गई थी। राकेश टिकैत ने किसानों की गिरफ्तारी को अवैध और गलत बताते हुए विरोध किया। अच्छा सर, ये क्या कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? हमें नहीं पता कहाँ लेकर जा रहे सर। किसमें बैठाए आपको सर? अगर इसका समाधान नहीं होता तो हम ट्रैक्टर यात्रा शुरू करेंगे यहाँ से लखनऊ की। हम इंतजार करेंगे आज शाम तक का प्रशासन का, सरकार का। अब लड़ाई आर पार की होगी। ये किसान को, मजदूर, गांव, गरीब, आदिवासियों को दबाना चाहते हैं, उसकी घोषणा हम शाम को करेंगे। तो सर कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? अभी नहीं पता हमें। हम तो अब सरकार के उसमें हैं, वहां लेकर जा रहे। ये पहला इनका ट्रायल है, तो हमारा भी अगला ट्रायल, हम अपने ट्रायल की घोषणा शाम को करेंगे 4 बजे। सरकार के आदेश है, जो है 7,000 बीघे जमीन है और नोएडा में। सरकार से कोई लड़ाई भाई, अथॉरिटी से लड़ाई है और जब तक लड़िए। सर जो किसानों का आंदोलन चल रहा है सर, आप सर इस वक्त टप्पल में आए हो सर, क्या कहना है सर? किस उद्देश्य से किसानों से मिलने के लिए आए, क्या है? नहीं नहीं, किसानों से मिलने के लिए नहीं, जो नोएडा में आंदोलन चला हुआ है गौतम बुद्ध नगर में, वहां पे जाएंगे। जीरो पॉइंट पे मीटिंग रखी हुई है और अभी तो फोर्स सब कार्यकर्ताओं के घरों पे फोर्स को उनको मतलब निकलने नहीं दे रहे।
कैक दिन तक नहीं निकलने दोगे घर से? मीटिंग तो 0 पॉइंट पे ही होगी। हमारे जो लोग गिरफ्तार करे हैं किसान, वे सब छुट्टे, वही कमेटी सरकार से बातचीत करेगी। तो सर ये आप जो मांगे हैं सर, कौन कौन सी मांगे प्रमुखता में आपने लिए हैं? कि एक तो भूमि अधिग्रहण का बड़ा इशू पूरे देश भर का है, उसके सर्कुलेट नहीं बढ़ाए, जमीन छिन जा रही है किस्म से जबरदस्ती। जो गौतम बुद्ध नगर का मामला है उसका है, जो मुआवजा मिल गया उस पर 64% देने की बात है, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। दूसरा जो उनके प्लॉट है 10%, कुछ ऑथोरिटी दे रही कुछ नहीं दे रही, वो एक बड़ा सवाल वहां पे है। कुछ जो खाली जगह उनके किसानों की पड़ी हुई है, जैसे खेड़ी खेती और बाड़ी, तो बाड़ी का मतलब होता था जहां पे मुर्गे पालन होता हो, जहां पे बकरी पालते हो, भैंसे पालते हो, पशु का आहार था, उसमें कोई मकान नहीं होता था। तो ये सैटेलाइट इमेज से कहते हैं जी ये तो इस तो एक बार कर रहे हैं हम इसको, लेकिन वो किसान का खलियान है किस्म से। तो ये बहुत से सवाल हैं जिस पे सरकारों से बातचीत होनी है। अच्छा सर, अब जो आपको फोर्स ने यहाँ चारों तरफ से घेर रखा है, बहुत फोर्सेस लगा दी गई है, अब तो देखेंगे आप कैसे जब बाहर निकलेंगे, जब देखेंगे क्या कहेंगे फोर्स। अभी तो यहाँ है बे, हमें भी घेर रहे होंगे तो इनका समाधान कैसे निकलेगा? तो सर एक दिन तक चलेगा यह आंदोलन? सर कितने किसान यहाँ से तो अब जाएंगे? किसी को जान दे रहे हो तो जाए भी। अभी बहुत जगह से यही पता चल रहा है कि किसानों को घर पे ही रोक रखा है। तो सर अगर वहाँ अगर ये रोके रखेंगे तो कब तक? तो कई दिन तक रोक के रखेंगे। आज का दिन है।